हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज आप सभी के बीच में लेके आए हैं कि प्रेगनेंसी में एक महिला को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस पे आज हमारा आज का वीडियो है कि महिलाएं अपना प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान रखें, मैंने क्या क्या ध्यान रखा था और मुझे डॉक्टर ने क्या बताया था कि किस तरीके से ध्यान रखिए, और साथ में मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बताया था, मेरी दादी, मेरे घर में जो मेरी माँ है और मेरे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मुझसे, किस चीज़ का ख्याल रखने को बताया था, मैंने कैसे अपना ख्याल रखा था, वही आपके साथ साझा करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की एकदम अच्छी और जो मैंने खुद किया है वो चीज़ आपके साथ साझा करेंगे, वही वीडियो हम आपके साथ साझा हमेशा करते हैं जिस पे मैंने खुद विश्वास किया या कोई मेरा अपना, जैसे कुछ चीज़ें हैं ना जो मैंने नहीं प्रयोग किया है, किसी अपने ने किया है तो वो आपके साथ साझा करते हैं, तो आप विश्वास करके हमारे वीडियो पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि क्या क्या सावधानी रखनी है गर्भवती महिला को, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से खुद का ख्याल रखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं आपके साथ हम भी। तो फ्रेंड, सबसे पहला सवाल है प्रेगनेंसी में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, दूसरा है गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा सब लोग यही सर्च करते रहते हैं। फिर प्रेगनेंसी में खुद का ख्याल कैसे रखें ये भी सर्च करते हैं। हर रोज़ एक गर्भवती महिला की देखभाल कैसे करें, अगर आपके घर में कोई गर्भवती तो उसका देखभाल कैसे करें, हर रोज़ एक महिला की गर्भवती का ध्यान किस तरीके से हम रखें, तो आपको चलिए हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, खूब फल और सब्जियां खाएं। आप फल और सब्जी खूब खाइए। फल और सब्जियों में ना बहुत सारे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सभी होते हैं। आयरन लेवल को बैलेंस रखें, आयरन के लेवल को बैलेंस रखें। आप डाइट में आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करें तो एनीमिया से बचे रहेंगे, हाइड्रेट रहें, पानी की एक बोतल अपने पास हमेशा रखें, हेल्दी स्नैक खाएँ, नाश्ते में हेल्दी स्नैक खाएँ, अच्छी नींद लें, खूब अच्छी नींद लें, सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, हमेशा सोते रहना भी, बच्चा सुस्त हो जाता है तो हमेशा सोते भी नहीं रहना है, तो आपको सोना है, एक अच्छी नींद लेनी है, ना कि हमेशा सोना है। हमेशा सोना और अच्छी नींद लेने में फ़र्क है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब चलिए दूसरी चीज़ बता देते हैं आपको और क्या ध्यान रखना है। धूल मिट्टी कूड़े कचड़े, सफाई पोछा लगाना, भारी सामान उठाने से परहेज आपको करनी है। इससे ना सिर्फ आपको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा बल्कि आपको भारी वजन उठाएंगे तो अवर्षण होने की समस्या भी रहेगी। तो आप भारी चीज़ें मत उठाइए, मतलब हल्के फुल्के काम कीजिए। काम करने से एक्टिव शरीर एक्टिव रहता है, तो इसलिए काम जरूर कीजिए, हल्के फुल्के काम कीजिए, सोना नहीं कि हाँ हमेशा सुस्त पड़े हैं, एक्टिव रहिए ताकि बच्चा भी एक्टिव हो। अधिक मात्रा में पानी पीजिए, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें का सेवन कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, डेयरी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए जो आपके पैकेट बंद, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, सूखा मेवा खाइए, अगर आप अंडा खाती हैं तो अंडा भी खा सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क में बने रहिए, डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए, खाने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आयरन अगर आप थोड़ा ले रहे हैं तो उसका स्तर बढ़ा दीजिए, मतलब ज़्यादा लीजिए, परसोपूर्ण सप्लीमेंट लें, नियमित व्यायाम करें, व्यायाम भी बहुत ज़रूरी, एक्सरसाइज करें, हल्के एक्सरसाइज लेकिन कीजिएगा। ध्यान रखिए कि आपके साथ आपका एक नन्हा मुन्ना जान भी पल रहा है, तो उसी तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, अपना अपने बच्चे का ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है, आपको पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, सकारात्मक रहना है, अच्छी किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनिए, नेट पर सर्च करके भी बेबी का वीडियो देखिए, खूब हंसते खेलते बेबी, आजकल तो कितने सारे वीडियोज़ होते हैं वो सब नेट पर सर्च करके देखिए अच्छी अच्छी, और अपने बच्चे से बात कीजिए, पेट पे हाथ सहलाइए इस तरीके से, और अपने बच्चे से आप बातें कीजिए, वो आपकी बातें को समझेगा ताकि पेट से ही आपसे कनेक्ट हो जाए और बाहर आने पे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पहले ही महसूस कर चुका होता है। तो उससे खूब सारी बातें कीजिए, अच्छा मौसम हो तो बाहर का नज़ारा खड़े होकर लीजिए, इस तरीके से, इस समय बारिश का मौसम
मौसम है और कोई मौसम हो तो सुबह शाम इस तरह के खिड़की पे खड़े होके आप अपने बेबी से बात कीजिए कि खिड़की पे हूँ, बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है, आप बाहर आइएगा तो ये दिखाएंगे, ये करेंगे, मतलब खूब अच्छे अच्छे सपने देखिए बच्चे के साथ। अल्ट्रासाउंड ज़रूर समय समय पर कराते रहिए, अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट बच्चे का देखते रहिए, हार्ट बीट पर ध्यान रखिए, बच्चे की हार्ट बीट और वज़न ग्रोथ ये सब अल्ट्रासाउंड से पता चलता रहता है। तो अल्ट्रासाउंड जब कराइए तो ज़रूर डॉक्टर से पूछिए बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, पहले कितनी थी वो मिलाइए बच्चे के हार्ट बीट पे, बच्चे के वज़न पे, अपने बच्चे को इस तरीके से, क्योंकि अब तो दिखाते नहीं हैं तो इस तरीके से पीछे से दिखा देते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए, क्योंकि अब लड़का लड़की भेदभाव नहीं, मतलब वो नहीं, जेंडर वाला नहीं होता है ना, तो इसलिए हम नहीं दिखाते हैं, तो इस तरीके से पीछे से आप देख सकते हैं अपने बेबी को कि आपका बेबी कैसे मूवमेंट कर रहा है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने हम सफ़र के साथ जाइए, उनको भी दिखाइए, अपना देखिए, अपने बच्चे से खूब 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 सारी प्यारी प्यारी बातें कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बच्चे का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।